3 साल बाद पिक्चर्स हुआ तो उससे तो yeah, I was just coming. My next question was that only. Ki how did it happen? Like we have heard that you and Biswa Pati Sarkar. Yeah. You both were roommates. And that's how you got the role. नहीं मेरे साथ अलग कहानी है actually. सुलेमानी कीड़ा मुझे मिली because Amit was my roommate. The guy was writing it. अच्छा ये कहाँ आप कैसे ऐसे नहीं एक्चुअली मुझे काम तभी नहीं शायद मुझे काम तभी मिलता जब मेरा रूममेट होता. अब मैं अकेला रह रहा हूँ 3 साल से कोई काम ही नहीं. तो यार हुआ यूं सुलेमानी मैंने शूट की और वो पिक्चर रिलीज नहीं हो रही थी. अब जो भी थे उसका मैं ही कारण था क्योंकि सेलेबल फेस नहीं था शायद जो भी था. फिर मैं बिस्सू से मिला था राउडीज के बाद और वो भी घर ढूंढ रहा था मैं भी घर ढूंढ रहा था. हम लोग 7 शिफ्ट हो गए हमारे रहने के. 1 साल बाद उसने मुझे आइडिया बताया कि ऐसा कुछ टीवीएफ क्योंकि स्केचेस बनाता है तब तक तो अब एक वेब शो कुछ कंसिडर कर रहा है जिसमें ये स्टार्टअप वालों की कुछ कहानी है. उसने मुझे आइडिया नरेट किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा. मैंने कहा मेरे को करना है यार ये दिस साउंड्स वेरी एक्साइटिंग एंड आई वांट रियली वांट टू डू इट. तब तक मैं थोड़ा उनके साथ चाय सुट्टा टाइप भी कुछ कर चुका था. सुलेमानी रिलीज के कगार पर नहीं थी उसका रिलीज नहीं हो रहा था कुछ और बट देन पिक्चर्स ऑल्सो डिडंट हैपन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यू नो. आई वॉज वेटिंग फॉर इट. मीनवाइल मैंने एक और फिल्म पकड़ ली. वो फिल्म में मुझे 1 महीना मॉरिशस ले जा रहे थे 1 महीना लंदन ले जा रहे थे. मेरे पास पैसे होते नहीं थे. उसमें मैं हीरो का दोस्त बना हुआ था. मैंने अरुणाब से भी पूछा मैंने अमित से भी पूछा. उन्होंने कहा कर ले क्योंकि राइट नाउ जिस पोजीशन पे तू है अगर तू कुछ अच्छा काम करेगा तभी लोग तुझे नोटिस करेंगे. तू बुरा काम करेगा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यू कैन डू इट एंड यू हैव टू डू थिंग्स टू सर्वाइव राइट. यू हैव टू पे योर बिल्स. हाँ तो मैं एक्टर बन चुका था दिमाग में. मैंने वो फिल्म करी. अब उस फिल्म के जो डेट्स फाइनल हुए यू नो उसका पहला स्केड फाइनल हुआ नवंबर का मॉरिशस में. इनका भी जो पिक्चर्स का स्केड बना इनका बना नवंबर में. बट लकीली नवंबर में नहीं हुआ. मैं मॉरिशस चला गया मैंने शूट किया वापस आया. हमें लगा पिक्चर्स हो रहा है. फिर इन्होंने डिसाइड व्हिच इज दैट मूवी. दिस फिल्म इज कॉल्ड लवशुदा. लवशुदा आई एम गिरीश कुमार्स फ्रेंड इन दैट फिल्म. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ वी गोइंग टू स्टार्ट इन अप्रैल. अब अप्रैल में लवशुदा का स्केड आ गया लंदन का 1 महीने का. तो अब उस समय वो बहुत क्रिटिकल था. उनको स्टार्ट करना ही था. फिर अरुणाब अमित गुलानी इन सबसे मेरी बात हो रही थी. उन्होंने कहा यार नवीन हमें स्टार्ट करना ही है. बट मैं उन्हें कह रहा था यार अब उधर कमिटमेंट है मैं उधर कैसे अभी बैकआउट करूँ बिकॉज उनका तो आधा स्केड में कर चुका हूँ. बट वो भी यही कह रहे थे यार वी रियली वॉन्ट यू बट वट डू वी डू. तो ऐसा भी हो चुका था यू नो कि वो किंगफिशर को पिच विच कर रहे थे और उनकी PPT में मेरे अलावा किसी और एक्टर का नाम था. अपेरेंटली मैंने सुना है अमोल का नाम था. अमोल पराशर का नाम था नवीन बंसल के रोल में. जबकि इनिशियली मैं ही था उनकी चॉइस. बट बिकॉज अब डेट्स क्लैश हो रहा था तो मुझे याद है मैं ऑफिस गया TVF के. मैंने अरुणाब से मिला. मैंने कहा यार अरुणाब आई रियली वॉन्ट टू डू इट डू समथिंग अबाउट इट. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम परमानेंट रूममेट्स हैड रिलीज राइट. परमानेंट आई थिंक कि एक सीन आ चुका था. परमानेंट आ चुका था तब तक. और परमानेंट भी यार इनिशियली जब बिस्वपति ने ही लिखा है वो भी तो हम रूममेट ही थे. परमानेंट पिक्चर्स के बाद होना था बट परमानेंट का पैसा शायद पहले आ गया तो परमानेंट करने लग गए. और परमानेंट का भी ऑप्शन मुझे दिया था बिस्सू ने यू नो कि अगर आप. बट ये था कि अगर मैं परमानेंट करूँगा तो फिर मैं पिक्चर्स नहीं कर पाऊँगा ऐसा कुछ था. जो कि आई एम ग्लैड दुनिया के लिए भी अच्छा ही हुआ वो लोगों को सुमित व्यास मिला. आपको नहीं एक्चुअली ऑफ कोर्स दैट बिकेम अ राइट थिंग बट यू हैड दैट विजन ऑफ व्हाट कि नहीं बॉस पिक्चर्स वाला दैट रोल है वो इट हैज अ बिगर स्कोप. नो देयर वर टू थिंग्स यार. आई वाज ऑब्वियसली थिंकिंग अबाउट व्हाट एम आई गोइंग टू एंजॉय मोर यू नो. और मुझे ऐसा भी था कि सुलेमानी कीड़ा में मैंने तब तक थोड़ा सा एक लवर बॉय प्ले किया है और वो पिक्चर नहीं आ रही थी तो मुझे लग रहा था मे बी प्रॉब्ली नॉट सूटेबल फॉर द रोमांटिक साइड. मतलब हालांकि आई थिंक आई एम मोस्ट सूटेबल फॉर दैट काइंड ऑफ रोल्स. फॉर ऑल द प्रोड्यूसर्स हु आर लिसनिंग टू फील्ड के आई हैव डन समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट आई शुड अटेम्प्ट दिस ऑल्सो साउंड सुपर हीरोइक यू नो एंड दैट वॉज ऑल्सो क्लोजर टू माई रियल सेल्फ. कि भाई नौकरी छोड़ के कुछ करने आया हूँ कुछ प्रूव करने आया हूँ. व्हाटएवर नो प्रूव करने बट कुछ डिफरेंट करने. तो इसलिए मैंने पिक्चर्स चूज किया था अपने दिमाग में. बट लकीली यार फिर वो लवशुदा और उसका जो है वो सॉर्ट आउट हुआ क्योंकि कुछ 2 हफ्ते का गैप मिला. लवशुदा थोड़ा पुश हुआ उसी दौरान इन्होंने 2 एपिसोड शूट कर लिए मेरे साथ और फिर मैं लंदन गया. और अब मुझे पता लग गया था यार अब मेरे को नहीं रिप्लेस कर सकते ये क्योंकि 2 एपिसोड तो मैं शूट कर चुका हूँ.
तो so they waited for you. They waited for me. So मैंने लंदन का स्केट खत्म किया लवशुदा का आके बाकी का शूट हुआ. Meanwhile I think they were also they were writing it. जब मैं लंदन में था तभी ट्रेलर आ गया था और एक एक hey, pictures was an insane show right? Pictures changed your life things for everyone you know. मेरे को तो ये भी लगता है सिर्फ TVF नहीं सिर्फ मैं नहीं सिर्फ जीतू नहीं सिर्फ मेरे को लगता है हिंदुस्तान का भी बहुत कुछ बदला है यार. True. क्योंकि वेब वो पहला मतलब ऑफ कोर्स परमानेंट डिड रियली वेल बट पिक्चर से मुझे लगता है एक बहुत बहुत क्रेडिबिलिटी मिली है इस मीडियम को और द वे इट वाज मेड यू नो मुझे नहीं पता कितने पैसे कंटेंट रेवोल्यूशनाइज हुआ ये तो मैं बोल सकता हूं. आल्सो इट लुक्ड रिच यू नो द शो लुक्ड इट वाज और वही उनका एजेंडा था वही उनका वो चाहते थे कि दिखे अच्छा तो उन्होंने बहुत टीम ने बहुत तसल्ली से काम किया यार मुझे ऐसा लगता है. बनते वक्त मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं ना फेम या स्टारडम नहीं सोच रहा था. मैं सोच रहा था कि मुझे मज़ा आएगा ये करने में. मैं ये नहीं सोच रहा था कि मेरा कुछ करियर बन जाएगा. मुझे तो लग रहा था ये अच्छी कहानी है अच्छे कैरेक्टर्स हैं मुझे करने में मज़ा आएगा. दैट्स ऑल दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग व्हेन आई वाज डूइंग इट. आपको तो इनसेन रिकॉग्निशन मिला होगा ना उसका. हाँ यार पिक्चर्स द एवरीवन मस्ट बी दैट सेइंग योर मतलब मुझे लगता था आई एम स्टंड विल स्टिक टू मी फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ बट पिक्चर्स के बाद इट जस्ट चेंज टू टू बियर टू बियर है. पीपल जस्ट फॉरगॉट अबाउट आई एम स्टंड यू नो एंड सडनली इट बिकेम टू बियर है. सो इवन टुडे व्हेन आई गो पीपल जस्ट से बियर आई होप कुछ और भी ऐसा हो जो इसको भी रिप्लेस कर दे. वेरी सुन वेरी सुन. नवीन बंसल्स रोल इन TVF सॉरी इन पिक्चर्स हाउ इज इट हाउ क्लोज इज इट टू नवीन कस्तूरिया कि बहुत डिफरेंट है. नहीं डिफरेंट बहुत तो नहीं है यार मेरा ही वर्जन है वो. जब मैं सीरियस जब मैं सीरियस होता हूँ तो मैं वैसे ही होता हूँ शायद यू नो. जब भावुक होता हूँ तो वैसे ही होता हूँ. तो नवीन बंसल लेकिन हाँ वो अब कैसे कट कट के वो आता है तो लगता है कि नवीन बंसल बहुत ही डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज आदमी है जो है वो मैं नहीं हूँ. मतलब मैं खुद ऐसा हुआ है यू नो मैंने ये पहले भी बोला था एक बार कि मैंने खुद अपनी स्पीच देखी है इंस्पायर होने के लिए. हाँ तो कि मैं बहुत ही लेजी आदमी हूँ बहुत ही यू नीड दैट मोटिवेशन आई नीड. हाँ और अब अच्छा खुद ही को देख के मोटिवेशन. जब तक मैं फिल्म बनाने आया था तब तक मेरे को लगता है मैं ज़्यादा मेहनत करता था. अभी क्या एक्टर बन के और निकम्मा हो गया हूँ क्योंकि अब लगता है अरे मेरे को थोड़ी कुछ करना है काम मिलेगा तो करूँगा ना अभी मैं क्या करूँ. लेकिन हाँ जब से ये मनोज खबर आई है कि पिक्चर्स टू नहीं हो रहा है. क्या पिक्चर्स टू नहीं हो रहा है अब क्या दैट्स अ न्यूज़. अभी तो नहीं हो रहा है अभी तो नहीं हो रहा फॉर द टाइम फॉर नाउ फॉर नाउ. But I think it'll happen. Please don't say that because I'm a big fan of the show. अरे I also wanted to happen यार. I in fact got into writing because of that. It's such a big show. अरे lot of things happened because of pictures. So, but I don't know if it's happening यार. As of now it's not happening. Yeah, which is really sad. मतलब ऐसी बुरी खबर है कि हमें मौन रखना चाहिए. हर रोज 5 मिनट का मौन रखना चाहिए. So आप you were आप AD थे. Yeah. You were an AD in Rajkumar's film LSD. LSD अरे वाह. Yeah. From there to actually working with him in Bose. Yeah. How was that experience? Because मैं इस thought के साथ आया नहीं था यार और धक्के बहुत खाए थे शायद starting में. तो मुझे अभी भी बहुत surreal लगता है यार you know. मैंने interior cafe night वगैरह करी नसीर सर के साथ. So that must be an experience. हाँ मतलब वो बहुत unexpected था और एक ही रात का experience था. But you know LSD के वक्त मैं राज को देखता था ना तो शायद अंदर कहीं एक चाह थी acting की. वो अब क्या कंस्ट्रेंट्स थे दिमाग में क्या सोचता था मैं तो मैं सोचता नहीं था उस बारे में. लेकिन मेरा मन करता था यार और राज का रोल मुझे स्पेशली LSD में बड़ा अच्छा लगता था. तो अब उसके 7 साल बाद या 8 साल बाद मैं राज के साथ बोस कर रहा था तो मैं नर्वस था. जबकि मैं नसीर सर के साथ नहीं था इंटीरियर में. आई वॉज कूल अबाउट इट बट वैन आई वॉज डूइंग बोस विद राज यू नो आई वॉज जेन्युइनली नर्वस बिकॉज दिस इज द गाय हु आई रियली वर्कड विद एंड एडमायर्ड एंड आई हैव सीन हिम. He started with LSD and then उसके बाद I saw Shahid and you know मैं बहुत बड़ा फैन बना हूँ राज का. मैं उसके साथ कर रहा हूँ मेरे लिए वो बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस. नहीं इज अ ग्रेट आर्टिस्ट. हाँ मैंने वो सुमित के साथ भी फील किया है. सुमित व्यास के साथ मैंने पहली फिल्म करी थी जिसमें मैं ED था जो मेरी फर्स्ट फिल्म थी. सुमित उसमें एक एक्टर थे यू नो. और मैंने उसी दौरान जश्न उसमें उसी दौरान जब उसका प्रेप चल रहा था मैंने उनका प्ले देखा था. जब बॉम्बे में अकेला रहता था उन्होंने मुझे एक प्ले के लिए बुलाया था नमक मिर्च 2008. मैंने वो प्ले देखा और मैंने सुमित को कहा कि सुमित यू डिज़र्व मच बिगर थिंग्स यार बिकॉज ही वॉज आउटस्टैंडिंग इन नमक मिर्च. मतलब मैं हंस के पागल हो गया था पता नहीं जो भी था मेरे को ही वॉज आउटस्टैंडिंग. तो उसके बाद मैंने सुमित के साथ एक्टिंग करी एक फिल्म में वो अभी तक आई नहीं है. मेरे को तब भी वो चीज़ लगती थी कि यार अरे पीपल हु हैव लव्ड सो मच एंड रिस्पेक्टेड सो मच आई एम एक्टिंग विद देम.
तो वो वही मुझे फिर बोस में भी लगा और वो अभी भी होता है बिकॉज आई वर्क विद सो मेनी एक्टर्स ना. करेंटली आई एम वर्किंग ऑन अ शो जहाँ पे भी वो एक्टर्स हैं जिनको मैंने असिस्ट किया हुआ है मतलब फिल्म्स में असिस्ट किया जिसमें एक्टिंग कर रहे थे तो मेरे को अभी भी वो लगता है कि अरे आई एम एक्टिंग. सो यू स्टिल गेट स्टारस्ट्रक लाइक इट हैपेंस के सामने आ गए तो यू फील. हाँ हाँ अरे मैं अभी तो बता रहा हूँ कि मैंने भावेश देखी उसमें अनिल कपूर शाहरुख खान आमिर खान इनसे तो मैं जब भी देखेंगे तो मेरा बैंड बजता है यार. गोविंदा ऑफकोर्स. सो इनिशियली आपको इनिबिशंस था ऐसा कि यू नो बिकॉज प्रोबेबली acting is all about because you are becoming the face of something right. Yeah. So you are literally projecting yourself. So wo time pe tha ki nahi because I don't think I look that great. Yahi tha. So abhi now next when you look at your contemporaries like Sumit Vyas or Jitu and everything, so you feel that sometimes kuch insecurities hoti hai because they are getting work and sometimes you are not getting work or you are getting work. Yaar Instagram pe jo to hoti hai varna mujhe lagta hai are sab ho to raha hai yaar matlab you know I am busy. You're making 60 lakhs a month, bro. I mean, like. Arey, more, bro, more. So, I'm working, I'm acting. You know, I get to be the most important guy on a set. You know, people. Everything revolves around you. Yeah, so it makes me feel good, yaar. बाकी सबकी journeys हैं यार. I'm sure. और भी बेहतर चीजें होंगी. But I also feel I'm not too ambitious, yaar. मुझे बस जो मैं कर रहा हूँ उसमें मज़ा आ रहा होता है अगर तो मैं खुश रहता हूँ. कंटेंट हो आप. हाँ मेरे को ऐसा नहीं है. मैं बिजी रहना चाहता हूँ ऑफकोर्स. जब खाली बैठे होते हैं दुख होता है तब फिर बहुत इनसिक्योर होते हो यार. व्हेन यू सी अदर पीपल डूइंग थिंग्स एंड यू आर सिटिंग खाली देन यू फील बैड के यार. बिजी से याद आया मुझे कि वाई आंट यू कोलैबोरेटिंग विद टीवीएफ मोर नाउ. आई मीन लाइक द लास्ट थिंग दैट वी सॉ वाज पिक्चर्स. अरे यू शुड चेक विद टीवीएफ नो यार. मैं तो सबको बोल के तंग आ गया हूँ यार. नहीं आपको चाय सुट्टा क्रॉनिकल्स में देखा था हमने. अरे चाय सुट्टा उन्होंने मेरे को ये बोल के कराया कि पिक्चर्स 2 हो रहा है वरना मैं स्केच वेस तो करना नहीं चाहता हूँ. मैं कहता हूँ मेरे को कहानियाँ करनी है. आप वेब शो बनाओ मैं करूँगा. सो व्हाट नेक्स्ट फॉर यू नाउ. दिस शो दैट आई एम वर्किंग ऑन करंटली इस वक्त मैं एक शो कर रहा हूँ जो थोड़ा अलग है. वो एक अलग चैनल पर भी आएगा. मुझे नहीं पता कब तक आएगा. नेक्स्ट ईयर तक आएगा. तो हाँ उसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ. मैंने पिछले साल दो फिल्में भी करी थी लेकिन दो फिल्में और एक तो अभी आई थी होप और हम करके वो नेटफ्लिक्स पे है. दो और फिल्में करी थी मुझे नहीं पता वो कब आएंगी. तो लेकिन हाँ जो शो मैं अभी कर रहा हूँ ना उसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ. उसका भी मैं नाम नहीं ले सकता सब क्योंकि आई थिंक जो चैनल है एक वही अनाउंस करें तो बेटर रहेगा. मुझे ये भी है कि शायद थोड़े बड़े तरीके से भी लॉन्च होगा वो और कंटेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है उसका. कुछ नया है मैं भी कुछ अलग कर रहा हूँ. सो इज दैट अ क्राइटेरिया फॉर यू टू चूज स्क्रिप्ट्स नाउ. नो नो समथिंग कुछ नया ही करूंगा. नहीं मुझे कहानी पढ़ूंगा तो मुझे मजा आएगा तो मैं करूंगा. सो आप पढ़ते हो स्क्रिप्ट. मैं जनरली पढ़ता हूँ. ये इनफैक्ट पहली बार है जो मैं कर रहा हूँ अभी शो. ऐसा कभी नहीं हुआ. मैं गुड वाइब्स का शूट कर रहा था अभी जो मेरा एक वेब शो आया है. फिर बीच में मुझे पता लगा कि ये एक शो बन रहा है और उसके मेरे को मिलने के लिए बुलाया. मैं डायरेक्टर से मिला. डायरेक्टर ने मुझे कॉन्सेप्ट बताया मेरा रोल बताया और आधे घंटे हमारी बात हुई. मैं बाहर आया मैंने कास्टिंग डायरेक्टर को बोला यार मेरे को ये शो करना है. ये पहले कभी नहीं हुआ है कि मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी और मैंने कहा कि मेरे को ये शो करना है. बिकॉज वो डायरेक्टर से मैं इतना इम्प्रेस हूँ यार. कुछ अलग कर रहे हैं हम लोग. हो सकता है अच्छा ना लगे लोगों को लेकिन अलग तो है. अलग डेफिनेटली मुझे अट्रैक्ट करता है यार. मतलब अगर so, ये एक बेसिक क्राइटेरिया है. हाँ नहीं बोस का मुझे याद है. बोस मैंने पढ़ा था पूरा. मुझे पता था राजकुमार राव बोस कर रहा है तो मुझे ये था कि अरे राजकुमार है तो मैं क्या कर रहा हूँ फिर उसमें नो मेरा पार्ट कितना इंपॉर्टेंट होगा. बट व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट अब मुझे नहीं पता वो बना कैसा है लोगों को कैसा लगा लेकिन पेपर पे मेरे को पढ़ के वो इतना डिफरेंट लगा था क्योंकि लोग ना उस समय तक नेटफ्लिक्स और अमेजोन के शोज नहीं आए थे इंडिया में. तो लोग ज़्यादातर वो तीन लड़कों को लेके ही सेक्स कॉमेडीज़ बन रही हैं. चार लड़कों को लेके मतलब उसी टाइप की बन रही हैं. कॉलेज का ह्यूमर हो रहा है यू नो लड़कियाँ छेड़ना दिस. तो कुछ एक पीरियड सिनेमा बन रहा है. बोस की कहानी मेरे लिए तो बहुत इंसाइटफुल भी था. यू नो लॉट ऑफ थिंग्स आई गॉट टू नो व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट. सो दिस ऑल्सो आई थिंक इज वेरी डिफरेंट. इट बिलोंग्स टू अ डिफरेंट पीरियड. इट बिलोंग्स टू अ डिफरेंट वर्ल्ड. माई लुक इज़ वेरी डिफरेंट इन द शो. तो सो आई होप दे वो जल्दी अनाउंसमेंट करें लोगों को पता लगे और फिर जब शो बाहर आएगा तो पता लग ही जाएगा यार. सो व्हाट इज द प्रोसेस लाइक. आई मीन लाइक व्हाट प्रोसेस एज इन लाइक व्हेन यू गेट इनटू अ कैरेक्टर. What is it? Like most of the actors, they become actors. Like if you ask Nasiruddin Shah also, he would say very vividly in his interviews that there is this big sense of dissatisfaction with the self.
that's the reason they want to, you know, be someone else. Yaar, ab mere se bahut nahi, mere se bahut galat. Main na galti, main galti se actor ban gaya hu, to abhi main bas process enjoy kar raha hu. Mera har role ke sath ho sakta hai different hi ho process, kyunki maine theater mein itna touch nahi kiya. जब मैंने बोस किया तो उसका जो कैरेक्टर मुझे मिला था वो मैंने ना उस बेल्ट के लोगों को देखा है ना उनके साथ हैंग आउट किया है, तो वो करते करते कुछ डिवाइस किया कि इस तरीके से करते हैं. अभी का भी रोल ऐसा ही है, कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है यार, कोई ऐसा नहीं है. और तभी वो सही भी होता है, किसी पॉइंट पर गलत भी होता है. मैं तो एक्टिंग सीख ही रहा हूँ यार, मेरे को अभी भी तरीका नहीं पता कि कोई कोई रोल क्रैक कैसे करना है. एंड आई एम ऑल्सो वेरी अनश्योर अबाउट माई शॉट्स. You know, if you're going to talk to directors na, who I've worked with, वो कहेंगे कि अरे नवीन तो जान खा जाता है यार, क्योंकि मैं हर शॉट के बाद ऐसा होता है यार सही मिल गया क्या यार, और करते हैं, आई थिंक ये ठीक नहीं हुआ है. तो फिर डायरेक्टर कहता है मिल गया है मेरे बाप, मेरे को ठीक लग रहा है ना, अभी अगला भी तो करना है. तो मैं तो बिल्कुल, मेरे को हमेशा लगता है अरे नहीं नहीं गंदी एक्टिंग हुई. और वो कई बार होती भी है, फाइनली कट के आ जाता है, मैं कहता अरे कितना अब गलत है ये, बट कई बार सही भी होती है. और मैं ऐसी डाउट कर रहा हूँ. यू डिड अ शो विद मानवी गागरू, मानवी गागरू वॉज योर गर्लफ्रेंड इन पिक्चर्स, सो वॉट नेक्स्ट फिर विद मानवी गागरू? मानवी एक्चुअली मेरी पिक्चर्स के बाद बहुत अच्छी दोस्त बनी, उससे पहले भी थी लेकिन तो मुझे बहुत इट्स सुपर फन टू वर्क विद हर एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, यू नो. आई थिंक दैट ओनली दैट केमिस्ट्री ओनली आई थिंक पीपल कैन सी व्हेन दे सी थिंग्स, बिकॉज वी आर वेरी कंफर्टेबल विद. एंड यू नो विद मानवी आई रियलाइज दैट इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुड को एक्टर. मानवी की वजह से बहुत चीजें अच्छी हैं, गुड वाइब्स में भी और पिक्चर्स में भी, एकदम एफर्टलेसली हो जाती है. हाँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे को ज़्यादा आती नहीं है. मैं क्या करता हूँ, सीन में घुस जाता हूँ और दूसरा बंदा जैसे कर रहा होता है ना, बस उस पर एक नेचुरल रिएक्शन देता हूँ और मेरी एक्टिंग वही होती है. तो अगर मेरा को एक्टर लल्लू है ना, तो मेरा भी बैंड बन जाता है. दिस रिस्पॉन्ड, हाँ मैंने देखा है, मैंने अपने आप को देखा है और जगह भी. तो आई थिंक मानवी के साथ काम करके मैंने रियलाइज किया है कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड को एक्टर. सो गुड वाइब्स जरूरी है, गुड वाइब्स देखना बहुत जरूरी है. सो आई एक्चुअली मेरा ना दिमाग में आया, बिकॉज आई रिसेंटली सॉ न्यूटन विच इज बाय योर फ्रेंड अमित मसूर का. आप सारी दुखती रख पे हाथ डाल रहे हैं ना, एक तो नहीं, बिकॉज आई कैन जस्ट इमेजिन यू बींग देयर इंस्टेड ऑफ आई मीन राजकुमार हैज डन अ ग्रेट जॉब. I'm just saying, I can just picture you. So, आपको आप झगड़ा करते हो अमित मसूरकर से कभी? नहीं नहीं यार, actually नहीं. मैं क्योंकि मैं हालांकि I can also see myself in Newton, but then I can see myself in बद्रीनाथ की दुल्हनिया also. So वो एक अलग हो सकता है, मैं एकदम अलग वर्ल्ड में हूँ. बट यार अब क्या है, सुलेमानी ना रिलीज नहीं हो रही थी बहुत टाइम तक, और उसका कारण मैं ही हूँ. क्योंकि एक टाइम पे ऐसा भी हुआ था, अमित को किसी ने कहा था कि यू रीमेक द फिल्म फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा, यू कीप एवरीबडी whoever you want, you can keep them in the film, everyone, all the actors except your main actor. तो क्योंकि picture बेचना भी important है यार, you know, एक उसको mount करना. और मैं ये नहीं कह रहा कि राज को सिर्फ इस वजह से लिया गया होगा, राज तो is probably the best actor right now we have in this country. But मैं कह रहा हूँ कि मैं अमित को question नहीं करूँगा इस चीज़ पर, क्योंकि मुझे पता है picture बनाना release करना कितना बड़ा task है, और director को freedom होना चाहिए यार. I'm already grateful to him that he actually is the one who made me the actor. तो मेरा वो grudge नहीं हो सकता कि नहीं grudge नहीं, angst होती ना कि यार हो सकता है यार I could have been there यार. नहीं वो तो फिर यार वो तो जो मिला है वो भी तो गलती से ही मिला है ना. मेरे को एक्चुअली ये थॉट कभी आया नहीं, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने कहा, बिकॉज न्यूटन उन्होंने देखी, उन्होंने देखा रहे उसमें राज के घुंघरालू बाल हैं और तुम टोटली कर सकते हो. तो मैंने करा, अगर मैंने करा होता ना तो फिर करण जोहर ट्वीट नहीं करता कि न्यूटन पिक्चर आई है. तो आई होप उस स्टेज पे पहुंचे यार जहाँ पे यू नो ऐसा हो. बट आई थिंक दैट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ फिल्म एंड रिलीज अ फिल्म एंड यू नीड अ सेलेबल फेस यार. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली द पर्सन हैज टू बी गुड एक्टर ऑल्सो, विच इज सेइंग दैट यू आर. I don't know. So being modest right now. So what do you think about, what do you also think about these new OTT platforms, these streaming platforms that have come, like Z5 or the Netflix or the Amazon? You think that is going to kill the theater culture, that people will stop going to the theaters to watch movies? See, I don't know if that's going to happen, but these platforms are going to thrive for sure.
100% हाँ 100% यार अभी ऑलरेडी हो रहा है यू नो और थिएटर में फुटफॉल्स तो कम हुआ है बट वो खत्म नहीं होगा वो कभी मतलब थिएटर का चाम अलग है यार इवन फॉर एक्टर्स एंड इवन फॉर द ऑडियंसेस यू नो व्हेन यू वॉच अ स्टोरी इन अ थिएटर और यू वॉच अ यू नो एन इवेंट फिल्म आप एवेंजर्स देखते हो या आप सलमान खान की फिल्म देखते हो तो थिएटर में ही मजा है उसका सलमान खान की फिल्म लैपटॉप में देखने में आपको मज़ा नहीं आएगा मेरे हिसाब से तो वो चीज़ खत्म होना मुश्किल है बट हाँ ये नेटफ्लिक्स और इन सब का राइज तो पक्का है यार जितने प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं और लोग अब इतनी अच्छी अच्छी अलग अलग कहानियाँ ऑनलाइन देख पा रहे हैं तो दे आर गोइंग टू अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख पा रहे हैं दीज आर गोइंग टू डू इवन बेटर फॉर श्योर यू नो तभी लॉट्स ऑफ प्लेयर्स आर कमिंग देयर लॉट्स ऑफ न्यू चैनल्स न्यू प्लेटफॉर्म्स अभी तो जो आए इंडिया में वो थोड़े बहुत ही अभी और भी बहुत लोग आ रहे हैं सो What about your girlfriends in life? Girlfriends? Yeah. Well, there won't be any singular, right? Unfortunately, I don't have a girlfriend in my life. I'm looking for one, you know. Currently, I'm not saying, but you've had heartbreaks, you've had all that. Haan, lots of heartbreaks. Twice. Or you must have broken people's heart. That I don't remember. Mera dil do baar toota. That happened. So, when are you planning to get married and all? No, but you know, but I'll tell you the thing. It's not necessary you have to get married. You know, yahan pe bhi na kuch permanent nahi hota. जब आप दिल्ली में होते हो कॉर्पोरेट लाइफ में होते हो मुझे नहीं पता कहानी कैसी है आपका किसी के साथ दिल टूटा टूट गया आपको कोई और मिला यू मूव ऑन यहाँ पे क्या है आपका लफड़ा सॉरी आपका अफेयर या जो भी है इश्क जो होता है आपकी को एक्टर से होता है अभी अगर आपका हार्ट ब्रेक भी हो गया यू आर गोइंग टू बम्प इनटू हर समवेयर हाँ कोई अदर सो आर यू हिंटिंग एट समथिंग नो आई एम नॉट हिंटिंग एट एनीथिंग यहाँ पे परमानेंट हार्ट ब्रेक्स नहीं होते दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू नो अच्छा के और तो हाँ वो रिलेशनशिप काफी लंबे रह जाते हैं आई फील सो मतलब यू सीइंग दैट देयर इज नो रियल कनेक्शन है नहीं यहाँ पे रियल कनेक्शन है रियल हार्ट ब्रेक रियल ब्रेकअप्स नहीं है दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इफ यू फॉर्म अ बॉन्ड विद समवन आई थिंक इट्स फॉर आई मीन एटलीस्ट इन माय केस इट्स गोइंग टू स्टे देयर फॉर एवर अभी तक तो है तो मतलब यू स्टिल माइट नॉट बी टुगेदर विद तो फिर क्या होता है फिर पैरेलल लफड़े चल रहे होते हैं आपके कि उस वाली से भी चल रहा है उस वाली से भी चल रहा है किस वाली से भी चल रहा है मुझे पता नहीं मैं पॉलिटिकली कितनी करेक्ट बात बोल रहा हूँ नहीं मतलब यू आर जस्ट ट्राइंग टू टेल अस दैट नॉट अ प्लेयर व्हाट आई एम सेइंग दैट बिकॉज यू आर हियर ना आपका एक्सेस से बहुत खत्म होता नहीं है दिस इज बिकॉज खत्म करने के लिए आपको इफ यू रियली अटैच टू समवन यू आपको आइडली एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए कॉन्टैक्ट में नहीं रहना चाहिए और मैं पर्टिकुलरली अपनी बात नहीं कर रहा हूँ यू नो मैंने और लोगों भी देखे हैं आसपास किसी का ब्रेकअप हो गया लेकिन फिर आप देखते हो नहीं यार वो साथ ही हैंग आउट कर रहे हैं यू नो बिकॉज दे वर्किंग टुगेदर सो दे हैव टू बी टुगेदर तो हाँ तो वो चीज़ है तो आपके साथ हुआ है वैसा मेरे साथ भी हुआ है ऐसा हाँ सो ये कोई ऐसा फिल्म्स में ऐसा हुआ है कि आप ऐसा शोज में हुआ है ऐसा मेरे ज़्यादा काम तो है नहीं वैसे लेकिन जो भी मेरा हुआ है वो एक्चुअली जिस चीज़ में भी मेरा कुछ हुआ है वो चीज़ें बाहर आई नहीं है तो पीपल डोंट रियली नो अबाउट अच्छा छुपा लेते हो आप मतलब इट्स अ फैक्ट क्योंकि जो चीज़ें बाहर आई हैं तो वो तो मानवी गागरू के साथ ही आई हैं तो ओ तो गागरू और मैं तो खैर खास दोस्त हैं तो वहाँ तो ऐसी कोई स्टोरी है नहीं और सो नो स्पाइस फॉर आर चैनल अनफॉर्चुनेटली ना हमें काफ़ी लोग बोलते रहते हैं और सो यू डोंट वांट टू गेट मैरिड इन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स नो नो दैट्स नॉट ट्रू यार आई एम तो आई वांट अ स्टेबल लाइफ नाउ यू नो That's what I said. See, I was not really talking about myself. I was generally talking about the kind of field we are in. No, I तो मुझे मन है किसी के साथ रहने का और you know शादी करने का और बच्चे करने का बच्चे का नहीं पता मुझे but मुझे companionship अच्छी लगती है otherwise मैं थोड़ा lonely feel करता हूँ कभी कभार you know हाँ तो I think और अभी मुझे लगता है अभी हो गई अभी मस्ती वस्ती भी हो गई you know you have been with enough number of women and you know Now you want a stable life. That's why I look up to Sumit Vyas, you know. Sumit Vyas मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ना ही सिर्फ एक्टिंग में पर्सनल लाइफ में भी और मुझे कहते भी नहीं जैसे जैसे नहीं वो मुझे मिले थे कहते हैं नवीन आप शादी कर लो यार हाँ तो अभी वैसे पता नहीं बोलना चाहिए लेकिन अगर आप एक्टर हो तो आपको 35 तक 2-3 बार तो शादी कर लेनी चाहिए Whenever it happens. Whenever the time is right, it'll happen. Yeah. I believe in that too. So we'll move on to our final segment. It's called this or that. So it's like a rapid fire round only. We're taking a leaf out of Mr. Karan Johar's book. So, but हाँ, वो लोग तो बड़े controversial questions पूछते हैं यार. हम लोग तो बड़ी emotional बातें कर रहे हैं यार. I think, but I'm going to ask you some other questions as well. No, up to you. Up to you. So we start with it. Yeah. So Naveen Bansal or Naveen Kasturia? Naveen Kasturia. Any day, right? Delhi, Bombay. Bombay.
Oh, nice. Jeetu or Mandal? Jeetu. Pitchers or Bose? Pitchers. Pitchers or Pitchers 2? Dinchak Pooja or Priya Warrior? Priya Warrior. Priya Warrior, okay. Manvi or Nidhi Singh? Manvi Gagru, yeah. Come on. Moodi or Rahul Gandhi? Guys, don't judge me, but Rahul Gandhi. Okay, so kinky or normal emotional? How do you like normal it? Normal to kuch nahi hota, bro. So you like it kinky? Normal to ab ho gaya na abhi. Kitna normal yaar. Thank you so much, Naveen, for having us on the show, man. It was like lovely talking to you. You're welcome, bro. It's nice when people are so candid and, you know, they have no layer around them or no filter around them when they're speaking. That's thanks. Awesome. Thank you for thanks having so us much. In the house, man. It was so amazing. Much, thanks for the coffee also. Coffee achhi thi kya? Main kya hu? Main beer hu. Tu hai digital companion hai. Main beer hu. ये डिजिटल कंपेनियन है और अब हमारा एक शो आ रहा है अनफोल्डिंग स्टार्डम प्लीज वॉच इट एंड सब्सक्राइब सब डायलॉग बोल रहे हैं मेरे शो के जिसका सीजन 2 बन ही रहा है हाँ ये साले मेरे को बुला के मेरी मार रहे हैं तुम इनका शो सब्सक्राइब करो इनका चैनल सब्सक्राइब करो